मैं हूं डॉक्टर मिलन मोदी, एलर्जी चेस्ट एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत। आज हम बात करेंगे लंग्स कैंसर यानी फेफड़े में होने वाला कैंसर, उससे उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, ये कैसे लंग कैंसर होता है। देखिए, कोई भी बीमारी जब लंबे टाइम तक रहती है या कोई भी बॉडी में कोई ऑर्गन को डैमेज लंबे टाइम से हो रहा है और उसको हम इग्नोर करते हैं तो वहाँ पे जाके कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, जो कोई पेशेंट स्मोकिंग कंटिन्यूसली किया जा रहा है और उसको खांसी कंटिन्यू हो रही है बार बार, फिर भी अगर स्मोकिंग को बार बार कंटिन्यू लंबे टाइम तक किया तो वहाँ पर जाके लंग्स में डैमेज बढ़ जाता है और कभी कभार वो अनकंट्रोल हो जाता है डैमेज और उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे अगर कोई इमारत में बार बार डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर कर रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी उसका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं किया तो एक बार जाके पूरी इमारत गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम लंग्स की है तो वो रिपीटेड होने की वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं।